प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक संसाधन से जुड़े सदस्यों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना काल में देश की बहनों ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से राष्ट्र की जो सेवा की है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष का यह समय नए लक्ष्य तय करने और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का है। प्रधानमंत्री ने नारियों की समूह शक्ति को नई ताकत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत पर बल दिया। आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो ये आयोजन बहुत अहम है। आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत को हमारी आत्मनिर्भर नारी शक्ति एक नई ऊर्जा देने वाली है। कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारी बहनों ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से देशवासियों की सेवा की वो अभूतपूर्व है। मास्क और सैनिटाइजर बनाना हो, जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाना हो, जागरूकता का काम हो, हर प्रकार से आपके सखी समूहों का योगदान अतुलनीय रहा है। अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के साथ साथ देश के विकास को आगे बढ़ाने वाली हमारी करोड़ों बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, स्वयं सहायता समूह और दीनदयाल अंत्योदय योजना आज ग्रामीण भारत में एक नई क्रांति ला रही है और इस क्रांति की मशाल महिला सेल्फ हेल्प समूहों से संभव हुआ है और उन्होंने संभाल करके रखी है। बीते 6-7 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों ने के आंदोलन और तेज हुआ है। आज देश भर में लगभग 70 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिनसे लगभग 8 करोड़ बहनें जुड़ी हैं। पिछले 6-7 सालों के दौरान स्वयं सहायता समूहों में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। 3 गुना अधिक बहनों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के लिए 16,25,00,00,000 रुपए का पूंजीकरण सहायता कोष भी जारी किया। 75 किसान उत्पादक संगठनों के लिए 4,13,00,000 रुपए भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं में उद्यमशीलता का दायरा बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में अधिक भागीदारी के लिए आज बड़ी आर्थिक मदद जारी की गई है।